क्या होगी भाई तैयार चटनी कती। राम राम भाई मेरे सारे भाइयों, तो भाई लाल चटनी जिसकी आपने इतने दिन तक मैसेज आ लिए, मेरे तो हजारों में मैसेज आ चुके हैं कि लाल चटनी की रेसिपी, लाल चटनी की, तो आ लिया तारी लाल चटनी की रेसिपी। पूरी वीडियो देखियो और खान में तुम्हें स्वाद आ जाएगा, बने रहो। और उससे पहले चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और लाल चटनी आज खाओगे तुम की गाल की कती। तो ये करता हूं शुरू, इस वीडियो का शुरुआत कर देते हैं। और इसमें केक के पड़ेगा, कितनी मात्रा में घेरना है वो सारी चीज आपने मेरा पाटेगी, तो इस खातर वीडियो में बने रहो भाई। भाई हो गया शुरुआत, पहले लाल मिर्च रगड़ती है। आप लाल मिर्च चाहे पीस लो उसको, इसमें डाल दो, या पिसोड़ी लिया हो या फिर पूरी साबत लिया हो, और लाल मिर्च ने बढ़िया पीस की। इसमें घेर दो आल, जो हरी कलर की प्याज होता है, लंबा लंबा सा प्याज, वो इसमें घेर दिया। इसमें बढ़िया रगड़ना है, हरियो इसमें बढ़िया कुटो, दो चार पांच मिनट लगेंगे इसमें, कुटी जाओ बढ़िया। इसमें नमक भी घेर दिया हमने, और लाल मिर्च भी हो गया, और आल होगी इसमें, और आड़े तैयार होना ही है। आज ये हो गया बाजरे का चून, ये खावा बाजरे की रोटी बढ़िया चटनी का हल्की। और ये प्रोसेस देख लो भाई पूरा, आप तरीके से घर पे आप बनाओ। अगर जिस भाई के पास कुंडी है वो कुंडी बनाओ, कुंडी में स्वाद थोड़ा ज्यादा होगा, और जिस पास कुंडी नहीं है वो मिक्सी में बना सकता है। पर मिक्सी में क्या है कि ये पूरा पिस जाएगा, नाना हो जाएगा, बारीक हो जाएगा ज्यादा, तो कुंडी में बनाओगे तो आपको ज्यादा स्वाद आएगा। तो ये पूरा तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में, और इसमें घेरेंगे फिर लासी, इसे ज्यादा पतला भी नहीं करना है, बढ़िया पीस की इसमें घेर दो थोड़ी सी लासी, बस स्वाद अनुसार लासी। और इसमें बढ़िया गोट दो कदी, इसका जी काट दो कदी, रगड़ दो इसमें, जितना आप बढ़िया रगड़ोगे उतनी इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुंडी का जो पत्थर होता है ये अलग पत्थर होता है, इसमें क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सारा काम मेरी बेबी ने कराया काली ने है। और ये बढ़िया बाजरे की रोटी बनाओगी या होगी कुंडी में चटनी तैयार, ठीक से गिलासी और तो नहीं गिरनी, सही है। तो यह बन गई भाई तैयार, कैमरा मैन लो आ जा, यह होगी भाई तैयार चटनी कती। और ये बनेगी रोटी, और बाजरा है कती एक नंबर का स्वाद, यह अपनी दही हाड़ है, और इसमें अपना है घी। ये मैं दिखा देता हूँ, मेरा पैर इंजरी है, यो रे मक्खन ताजा ताजा आज का। तो ये सब आप खाओ, आपके बढ़िया मेहनत मारो, एक नंबर का स्वाद आ जाएगा, बढ़िया आपकी बॉडी बनेगी। ये मत सोचो कि इससे पूरी बॉडी बन जाएगी, अगर आप मेहनत नहीं मारोगे तो फिर आपके पचेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत भारी खाना है, बहुत हैवी खाना हो जाता है बाजरे की रोटी, और इतना घी डाल के इतनी दही खा के, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में फैट भी जाता है। तो भाई अच्छा खाया करो और अच्छी मेहनत मारो, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो, जय हिंद जय श्री राम। पूरी वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और प्यार देते रहो। हर हर महादेव।